दोस्तों मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ESR यानी कि राइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का कितना रोल है किसी बीमारी को डायग्नोस करने में, और अगर किसी पर्सन का ESR हाई होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस में हाई हो सकता है, और ये बढ़े हुए ESR में इलाज करना है या नहीं करना, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ESR आखिर होता क्या है। दोस्तों ESR की फुल फॉर्म जो है वो है एराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। हमारे ब्लड में एक फिब्रिनोजन नाम का जो तत्व पाया जाता है, जो कि किसी इन्फेक्शन या किसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कहीं सूजन हो तो इस फाइब्रिनोजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और इस बढ़े हुए फाइब्रिनोजन के कारण जो ESR है वो बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली हमें ESR हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे हुए सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन और कोई भी इन्फेक्शन उसके बारे में बताता है, पर हमें ये टेस्ट ये नहीं बताता कि हमारे कौन से पार्ट में इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन हमारे चेस्ट में हो सकती है, वो हमारी इन्फेक्शन हमारे पेट में हो सकती है, वो इन्फेक्शन हमारे टांग में हो सकती है। तो ESR एक तरह से कहे तो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो इनडायरेक्टली हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन चल रही है, पर कहाँ चल रही है इसके बारे में वो स्पेसिफाई नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें ESR हाई हो सकता है। ESR जो हाई होता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस और दूसरी है नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। पहले हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की जिनमें कि हमारा ESR हाई हो सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन हमारे चेस्ट में, वो इन्फेक्शन हमारे पेट में, या फिर किसी एब्सेस यानी कि फोड़े के रूप में भी हमारी बॉडी में हो सकती है। तो इन सभी कंडीशंस में, चाहे वो हमारे चेस्ट में हमें इन्फेक्शन हो तो तब भी बढ़ जाएगा, और जब हमारे किसी कोई जख्म है हमारे जो सेप्टिक हो चुका है उसमें भी ESR बढ़ने के चांसेस होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में भी ESR जो है वो हाई हो जाता है। और इसके बाद बात करें हमारे रूमेटिक डिजीज़ की, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस कंडीशन में स्पेसिफिकली जो ESR है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फिब्रिनोजन की जो मात्रा है वो इन्फ्लामेशन के कारण बढ़ जाती है। तो ESR जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कंडीशन कैसी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, इसको डायग्नोस करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कुछ किडनी डिजीज़ में और साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, इन कंडीशन में भी ESR हाई हो सकता है। जो ESR है वो कुछ कैंसर्स में भी हाई हो सकता है, और इसके साथ साथ और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ESR हाई हो सकता है, वो होती हैं वैस्कुलर डिजीजेस और साथ ही साथ रूमेटिक फीवर। इन कंडीशंस सभी में ये इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं, इनमें ESR हाई हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो नॉन इन्फ्लामेटरी होती हैं, इनमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन तो नहीं होती, पर हम ESR जो है वो बढ़ जाता है। वो कंडीशंस स्पेसिफिकली पहले नंबर पे होती है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। अगर पेशेंट को खून की कमी है तो उसका ESR हाई हो सकता है। प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन कंडीशन में भी ESR हाई हो सकता है, और इसके साथ एजिंग प्रोसेस, यानी कि अगर जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है उसमें भी ESR हाई हो सकता है। बात करते हैं हम ESR की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की। दोस्तों ESR को हम क्लिनिकली कैसे यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जब भी कभी स्टार्ट होगा तो ESR को बढ़ने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, यानी कि इन्फेक्शन पहले स्टार्ट होती है और ESR उसके कुछ दिनों बाद बढ़ता है, और ये जैसे बढ़ने में टाइम लेता है वैसे ही कम होने में भी टाइम लेता है। अगर इन्फेक्शन सही हो जाए उसके बाद भी ESR काफ़ी टाइम तक हाई रहता है, इसको नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम लग सकता है, वो चाहे महीना हो या 2-3 महीने हो सकते हैं। तो एक तो ये लिमिटेशन है इस टेस्ट की।
और दूसरा है कि ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जिसमें कि ये बहुत सी कंडीशन में जो ESR है वो इंक्रीज हो सकता है। ये हमें स्पेसिफाई नहीं करता कि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पर होती है, किस सिस्टम में है और उसकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो ये सब थी इस टेस्ट की लिमिटेशन। पर इस टेस्ट को हम डायग्नोस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो है कि जब भी कभी हमें किसी पर्सन में ESR बढ़ा हुआ मिले तो एक फिजिशियन का फ़र्ज है कि उसकी कंडीशन को और अंडरलाइन कंडीशंस के साथ मैच करें और इन्फ्लामेटरी या नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को डिफरेंशियल डायग्नोस करें, यानी कि उसके और टेस्ट करवाए जाएं जिससे पता चल सके कि उसके बॉडी में कोई और इन्फेक्शन या फिर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही किसी सिस्टम में, किडनीज में, या फिर उसके कोई और, उसको ब्लड की कमी ना हो, एनीमिया की कंडीशन ना हो। तो इन सब कंडीशंस को हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना पड़ता है जिससे कि हम ESR, बढ़े हुए ESR को जस्टिफाई कर सके। तो ये सब बातें थी ESR बढ़े हुए होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और हम इसको क्लिनिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए भी है जो अपने बढ़े हुए ESR को लेकर चिंतित हैं। उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि सबसे पहले हमें डायग्नोस करना चाहिए कि उनका ESR जो है वो हाई क्यों हुआ है, कौन सी कंडीशन है जिनके कारण ESR और हाई हो सकता है, इसीलिए हमें उस कंडीशन को पहचान कर उसका इलाज करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।